वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से वृद्धि जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सपिक्यूअस करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग्स। वाट इज ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इवन एन इंडिविजुअल सेल्स। तो एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। यानी जो वृद्धि होती है वो एक आधारभूत है और आधारभूत होती है और सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है इसे। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में जो स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसको, ठीक है। यानी कि डिफाइंड जो इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है, ठीक है। जनरली ग्रोथ इज एकॉम्प्लेंट बाई मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट अकर इन एक्सपेंड एनर्जी। यानी कि सामान्यतः वृद्धि की बात करते हैं तो ये उपापचयी क्रियाओं यानी कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों से जुड़ा हुआ है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए क्या है कि देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ ए लीफ इज ए ग्रोथ। यानी जो पत्ती का हम विस्तार देखते हैं किसी लीफ का पत्ती का विस्तार देखते हैं तो यह एक ग्रोथ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ एंड जनरली इन डिटर्मिनेट। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इन डिटर्मिनेट होती है। तो प्लांट ग्रोथ इज़ यूनिक बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। तो इसमें जो मेरिस्टमेटिक विभाज्योतक ऊतक जो हैं उपस्थित होते हैं उनके कारण इसके क्षमता का उनके शरीर में कुछ खास जगह पर जो ऊतक उपस्थित होते हैं मेरिस्टमेटिक उनकी वजह से यहाँ जो वृद्धि होती है वो असीमित वृद्धि होती असीमित वृद्धि की क्षमता होती है। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमेटिक एट सर्टेन लोकेशन ऑफ इन देयर बॉडी। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ पर पी टू एट। यानी क्या है कि ऐसे विभाज्योतकों की जो होते हैं मेरिस्टमेटिक कोशिकाओं में विभाजन की निरंतर क्षमता होती है विभाजित होने की। द प्रोडक्ट However, soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. This form of growth where new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called open form of growth. What would happen if the meristem ceases to divide? Does this ever happen? यानी कि बात यह है कि जो यहाँ पे जो इस प्रकार की अगर हम बात करें कि इनमें निरंतर जो मेरिस्टमेटिक हैं उनमें निरंतर क्षमता होती है हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पौधे शरीर की रचना करती हैं जो पौधे के शरीर की रचना करती हैं एडिड टू प्लांट बॉडी बाई द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टमेटिक इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर विभाज्योतक की क्रियात्मक से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है इस तरीके से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ इज़ मेजरेबल और फेज ऑफ ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे।